साहब सम्मानित करेंगे एक शाल ओढ़ा करके एस पी साहब को गुरु लोकेश दत्त जी शुक्रगुजार है कि आपका एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी और उनकी टीम की दावत पर होना एक बात है, लेकिन एक इंसान होना, एक सामाजिक कारकुन होना और समाज के अंदर हर आदमी के साथ उसके दुख सुख में शामिल होना बड़ी बात है, और इसके लिए सरदार राजेंद्र सिंह जी जाने जाते हैं। और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इनके पीछे, जो बगैर किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के, बगैर किसी मफाद या बगैर किसी स्वार्थ के इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहती है। हालात भी ऐसे बनने शुरू हो गए, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि अक्सर आज सवा दो साल हो गए इनको यहाँ पे आए हुए, डेली इनसे मुलाकात तो नहीं, मैं कहूंगा झूठ नहीं बोल रहा अपने पवित्र स्थान के ऊपर खड़ा होके, लेकिन कौन से लोगों की समस्याएं हो या और बात हो, डेली बात होती थी, सुबह होती या शाम होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुलाजम अपनी तैनाती के दौरान जो नकूस छोड़ता है, जो उनके फराइज अंजाम देने में, जो ड्यूटी अपनी सर अंजाम देने में उनकी जो लगन और तंदेही होती है, उसको लोग अक्सर जो है याद करते हैं। जहाँ तक हमारे ज़िला का ताल्लुक है, क्योंकि ये मुनफरिद किस्म का ज़िला है, यहाँ के मुनफरिद किस्म के वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि यहाँ उनकी एक रवायत रही है हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा, और ये भी रवायत रही है किसी साहब के जब यहाँ कोई ऑफिसर आता है तो आते हुए भी पुंच के लोग उसको खैर मकदम कहते हैं, और जाते हुए जिस अंदाज से वो काम करके जाता है उसको जो है उसी तरह खैर मकदम उसका करते हैं। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, मैं दुआ करूँगा उस मालिक से आप जहाँ भी जाएं इसी तरह कामयाब रहें, और कामयाबी के साथ यहाँ पर आप जो है वो आए, और हम किसी साहब को यहाँ पर खैर मकदम करते हैं दिल की अहमियत के रंग से, पूरी महफिल की जानिब से सरजमीन पुंच पर हम खुशामदीद कहते हैं, और उम्मीद व्यवस्था है कि आप भी जो है एक कामयाब जो दौर यहाँ पर गुजारेंगे। तो एसएसपी साहब, मैं आपको लंबी चौड़ी तकरीर ना करते हुए कि कहाँ आंखों की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात हो। अच्छा, आखिर में यही कहूंगा कि आज सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है राजेंद्र सिंह को जाता है, इनको जाता है। आज सबसे हमें यहाँ पे एक नसीहत, एक प्रेरणा, एक दिशा, एक ऐसी बात आगे लेके जा रहे हैं कि ये आने वाले ऑफिसर को पता चलेगा कि मुलाकात करते रहे। और एक चीज में हमने खुल के कहूँ राजेंद्र सिंह जी, जो को आपको पता नहीं, ठीक डेढ़ महीने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम भी इतनी सियासी ध्यान रखते हैं, ठीक डेढ़ महीने के बाद रमेश अग्रवाल साहब जम्मू प्रोविंस के कहीं ना कहीं हेड होंगे, प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। एक चुनिंदा शख्सियत जिहड़ी इस वक्त इस पंडाल दे विच मौजूद ने, ये हर ग्रां नूं हर इलाके नूं रिप्रेजेंट कर रहे। रमेश अग्रवाल जी का जिथे तक तल्लुक है, मैं कहांगा कि ऐसी गल नहीं, महाराज ने बहुत वड्डी बख्शिश कीती है, फिजिकली भी महाराज की बहुत वड्डी बख्शिश है, बड़े स्मार्ट ने, हैंडसम ने, पर सब तो वड्डी ख्वाहिश खुशी इस गल दी है कि यूनिफॉर्म के अंदर एक बड़ी स्पिरिचुअल सोल जिहड़ी है वह आ सकती है। मैं कभी भी कोई महसूस नहीं किया कभी इन्हां कोई इन्हां दे दफ्तर में चला जाए, हो सकता है किसी को शक हो कि मेरे बड़े खास ने, ना ये हर व्यक्ति दे खास है। शुक्रिया अदा करूंगा राजेंद्र जी का और आप सबका कि आपने मेरे एजाज में ये पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। इसे ना केवल
मेरी हौसलदाई हुई है, बल्कि मुझे ये यकीन हो गया है कि यहाँ का जो मेरा 27 महीने का जो टेन्योर है उसमें और कुछ तो पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को कमा के जा रहा हूँ। किसी भी ऑफिसर का, किसी भी इंडिविजुअल का जो लिटमस टेस्ट है, जो उसका उसकी जो काबिलियत है, उसकी सलाहियत है, वो तभी पता चलती है जब कोई क्राइसिस हो। आम हालात में तो सब कुछ ठीक ठीक चलता है, लेकिन सही पता सब चलता है जब कोई क्राइसिस हो, और क्राइसिस भी उस लेवल का कि जिसका कोई अंदाजा ना हो। मैं बात कर रहा हूँ एब्रोगेशन ऑफ 35A की, या फिर जो कोविड महामारी है उसकी बात कर रहा हूँ। आज भी कोविड के बारे में हमें कोई ज़्यादा अच्छी तस्वीर जो है वो नज़र नहीं आ रही है, और जब लॉकडाउन हुआ जिसमें सब कुछ बंद हो गया, लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ा, और इसी तरह से जब 35A की एब्रोगेशन हुई, हालात जो थे वो सेंटीमेंट से जुड़े हुए थे, और यहाँ की प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हमें पूरा अंदेशा था कि कोई ना कोई हालात जो हैं वो नासाजगार हो सकते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ पुंछ की जनता को, और खुसूसन पुंछ टाउन के उन सभी लोगों को जिन्होंने मिलजुल करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, रात दिन हमारे साथ रहे, चाहे हमने उनको रात को 12 बजे बुलाया हो, चाहे दिन को बुलाया हो, वो हमारे साथ बैठे, मिल बैठ करके हमने सोल्यूशन को नॉर्मलाइज किया, और जहाँ भी कहीं कोई क्राइसिस था या कोई ऐसे हमें हालात नज़र आ रहे थे, तो आप लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया। एडमिनिस्ट्रेशन की एक खासियत है, खासकर इस तरह के एरियाज में जहां पे बॉर्डर शेलिंग चल रही हो, लोग गुर्बत के मारे हो, पसमानदा इलाका है, डेवलपमेंट भी कम है, इस तरह के एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग सेंसिटिव नहीं होंगे, वो एम्पथी नहीं रखते होंगे, तो मुझे डर है कि कहीं अगर इस तरह के हालात हो तो जो सिचुएशन है वो कहीं बिगड़ सकती है। एक तो मैं प्रिवेंशन जो है उस पर जोर देता था, हालात खराब हो जाए उसके बाद काम करने का वो तो करना ही है, फिर और कोई चारा ही नहीं है, लेकिन हालात खराब क्यों होने लगे? अगर मेरी इंटरवेंशन से, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट से हम हालात पे खराब ही ना होने दें, तो उसमें ही हमारी कामयाबी है। आदमी को ठीक करने के लिए है, समाज को उससे बचाने के लिए है, और मैं आज फख्र से कह सकता हूं कि उन हालात में हमने अपने पूरे समाज को, अपने पूरे एरिया को, अपने पूरे लोगों को बचाने में जो बन सकता था वो हमने काम किया। उसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, आप लोगों का रोल है, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। जब तक वो एक अच्छा इंसान या एक अच्छी वैल्यू नहीं रखता, तब तक वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता। थोड़ा वक्त तो मुझे लगेगा, लेकिन मैं अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब 7-8-10 लोगों के नाम तो मुझे अच्छी तरह से याद है। सबसे पहले मैं जहाँ के आउटगोइंग SSP साहब रमेश चंद्रवाल जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पुंछ की आवाम में
अपने लिए इतना प्यार जो है पैदा किया। ये जो रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है या रिस्पेक्ट होती है, ये डिमांड करने से नहीं मिलती है, ये अर्न करने से मिलती है। और उन्होंने ये सब अर्न किया, आपके दिलों में प्यार हो गया, जगह बनाई, उसके लिए वो मुबारक के हकदार हैं। और वो भी उस समय में उन्होंने ये सब करके दिखाया जब बहुत चैलेंजिंग टाइम था। एक तरफ कोविड था, 370 का दौर था, 35A का दौर था, बाबरी मस्जिद का फैसला था, और कई मसाइल थे। लेकिन सभी जो जितने भी ये चैलेंजिंग मसाइल थे, इनसे बाहर निकलकर शांति बनाकर और भाईचारा प्रेम बनाकर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, तो उनकी कामयाबी और भी बड़ी हो जाती है। और ये दर्शाता है कि उनमें कितनी काबिलियत है। इससे भी बड़ा अगर उनको कोई ओहदा मिलेगा या इससे भी बड़ी कोई उनको जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो वो उसको भी बाखूबी निभाएंगे। हमें इस बात की खुशी है क्योंकि ये हमारे दोस्त भी हैं और बैचमेट भी हैं। मैं जहाँ पे तमाम मौजूद जो शहरीगण बैठे हुए हैं उनका इस बात के लिए शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया जहाँ आने के लिए, और मेरे लिए भी कुछ लफ्ज कहे। अभी तो मैं दो ही दिन से आया हूँ, तो अभी जो भी आप कह रहे हैं वो आपका सोच होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं जिस जो जब ये बड़ा जल्द हो जाएगा बड़ी के कुछ कह दे के अच्छा है या कुछ भी है। अभी मुझे जब काम करूंगा तो अगर उसके बाद अच्छा होगा तो फिर लगेगा कि अच्छा है। ऐसे तो अभी फ्री ये जो हो जाएगा कि कोई जल्दी डिसीजन हो जाएगा। जैसे आपने सभी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके बिना कुछ भी नहीं है, कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। अगर आप लोग जो है आवाम ना होती, शहर ना होते, सिस्टम ना होते, तो एडमिनिस्ट्रेशन की अफसरों की ऑफिस की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो आप लोग हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका ही पार्ट है। आप लोग और एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिल के चलेंगे तभी बेहतरी होने वाली है। अगर एक भी साथ छोड़ेगा या एक साथ नहीं चलेगा तो उतनी अच्छा काम होने वाला नहीं है। इस संदर्भ में आपसे मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी के लोग हों, हमारे ये रेवन्यू के लोग हों, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हों, इंजीनियर्स लोग हों, आप सभी को सहयोग करिए जो सही काम करते हैं, जो ठीक काम करने की कोशिश करते हैं सभी को सहयोग करिए। और जो ठीक काम नहीं करते हैं, जो ईमानदारी से भी नहीं काम करते हैं, तो उनका आप संज्ञान भी लीजिए, आप हमें भी बताइए, और भी आप जहाँ बताना चाहते हैं बता सकते हैं, वो आपका अपना राइट है। लेकिन आप जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित भी करिए, क्योंकि आप लोगों का जब आशीर्वाद मिलता है, आवाम का जब आशीर्वाद मिलता है, तो जो अच्छा काम करने वाले होते हैं वो और अच्छा काम करते हैं, तो जो अच्छा काम नहीं करने वाले होते हैं उनको भी जो है उनको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम भी यही काम करें ताकि हमें भी समाज में इज्जत मिले।